हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे सुबह के 9:15, और अभी मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। वो कल रात को 10:30 बजे की उसकी बस थी, तो मुझे लगा था वो शायद दोपहर तक यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि सूरत से जूनागढ़ 13 घंटे लगते थे बस में, क्योंकि बीच में स्टॉप भी करते हैं ना इसलिए। लेकिन अभी मैंने जब फ़ोन किया ना, तो बोले कि गोंडल से भी निकल चुके हैं, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी शायद 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। तो बस ऐसा है सब कुछ। और अभी तो मम्मी पापा आ रहे हैं, और अश्विन को भी, ज्योति बहन को लेके जाना है हॉस्पिटल, तो उसे भी मुझे आज जल्दी जगाना होगा, तो उसे जगा देती हूँ। और आज फिर दोपहर के खाने की भी अभी से तैयारी करने लगती हूँ। तो ऐसा है सब कुछ, तो फिर आपको आगे आगे दिखाती रहूँगी। मम्मी पापा से भी मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने भगवान के लिए दूध बनाकर ये ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अभी इसमें चाय बनानी है, और ये रोटली का बटका वो भी अभी फ्राई करना है। तो अभी ये सब अश्विन जब नहा के आते हैं तो मैं चाय बनाऊंगी और ये सब होगा। यहाँ पर अश्विन पूजा कर रहे हैं, ये बटका मैंने कर लिया है, और ये चाय भी अभी रख दी है। तो अभी हम पूजा होने के बाद नाश्ता कर लेंगे। तो अभी अश्विन ज्योति बहन को लेके चले गए हैं हॉस्पिटल वंथली, और मम्मी पापा आ गए है। मैं अभी दोपहर के लिए मैं चावल और दाल उबलने के लिए रख दी है, और ये मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं। हम सब पूजा वाले, सिर्फ बाला भाई को छोड़ के, तो सब पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं, चाय वगैरह सब। तो अभी नहा धो कर वो पूजा कर रहे हैं। अभी मम्मी चाय पी के बैठ गए हैं, और अभी सब 11:30 बज गए हैं, और आज तो अच्छा है। मम्मी उल्टी मत खाती ना। हाँ, हर बार कैसा होता है, मम्मी ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो उसको वॉमिटिंग होती है। अगर बस में नहीं होती तो घर पे आने के बाद, पूजा कर रहे होते या नहाने के बाद, एक बार तो वॉमिटिंग होती है। लेकिन इस बार तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हर बार वो शरबत की बोतल ऐसे साथ में लेके बैठते हैं, तो पानी की जगह शरबत पिया करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज भी वैसे तो अच्छा है, फिर भी थकान तो लगती है, तो ऐसे आराम कर रहे। और पापा गए हैं बाला भाई के साथ दुकान पे, अश्विन गए ज्योति बहन को लेके हॉस्पिटल, और अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। दाल चावल तो बन गए हैं, और अभी सब्जी रोटी भी बना दूंगी फटाफट। तो सब आएंगे तो अब सबका साथ में वापिस से वीडियो लेंगे। तो अभी आज हम चारों, मम्मी पापा अश्विन और मैं, चारों खाना खाने बैठ गए हैं। बाला भाई गए हैं बाल कटिंग कराने, तो अभी आए नहीं है, उसको देर लगेगी। अश्विन ने फोन किया था, तो जब आएंगे तब खाना खा लेंगे। 1 बज गया है, तो हम सब खाना खाने बैठ गए हैं। अभी 5 बजे मैं और मम्मी कब से जाग के बैठे हैं, 4 बजे हम दोनों जाग गए थे, और जागने के बाद मम्मी और पापा ने चाय पी ली, और उसके बाद हमने चीकू का जूस भी बना दिया है, क्योंकि अश्विन दोपहर को वंथली से चीकू लाए थे। वहाँ के चीकू बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्वीट आते हैं, तो वहाँ से चीकू लाए थे, तो अश्विन ने बोला था कि जूस बनाना, तो अभी मैंने जूस बना के फ्रिज में रख दिया है। तो अभी आने वाले हैं मेरे मामा, तो वो मामा गए थे, मेरे छोटे मामा है, बड़े मामा यहाँ पे आगे ही रहे थे, और छोटे मामा है वो आने वाले हैं। वो अहमदाबाद सेवा में गए थे, क्योंकि BAP स्वामीनारायण संस्था में प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव इस साल चल रहा है, तो उन्होंने पूरे साल 1 साल की सेवा लिखवाई थी उसमें, तो सेवा में चले गए थे। लेकिन मेरी नानी की पाचम थी, तो इसलिए वो वापस अभी पाचम करने के लिए 2-3 दिन आए हैं, वापस से सेवा में चले जाएंगे। तो वो दूसरे जो मामा है उसके यहाँ पर रुके हैं, कब से फोन किया है, तो वो भी आ रहे हैं। जब आएंगे तब हम सब मिलके जूस पियेंगे, और अभी अश्विन भी नहीं आए हैं, तो जब अश्विन आएंगे तो सब साथ में मिलके जूस पियेंगे। तो अभी तो बस ऐसे बातों का फड़ाका चला रहे हैं, कब से, जब से आए ना तब से बातें 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 सब कर रहे हैं, और काम तो एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, क्या काम रहता है, कुछ भी नहीं है, तो बस अभी तो ऐसे बैठे हैं सब। ये हमारा चीकू का जूस बन के अभी रेडी हो गया है, हमने 4 बजे ये बना दिया था, और मैंने फ्रीजर में रखा था, तो ऐसे आइसक्रीम जैसा बन गया है, लेकिन थोड़ी देर बाहर रहेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी मामा तो अब तक आए नहीं है, तो हम लोग पहले ये पी लेते हैं।
फ्रेंड्स मामा तो अब तक आए नहीं है, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अभी फ्री है तो मासी के घर पे और जो दूसरे मासी है उनके घर पे, वो दोनों के घर पे अभी चाय पीने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर बैठ के आएंगे। और मैं अभी घर पे ही हूँ क्योंकि अश्विन शायद यहाँ पर आएंगे, उसका फोन आया था, तो इसीलिए मैं आज घर पे रही हूँ और मम्मी और पापा दोनों गए वहाँ पर। तो बस अभी तो मामा की राह देख रहे हैं, अगर वो आते हैं तो फिर शाम का खाना भी यहीं पे होगा। तो आज तो मम्मी पापा और मामा सब साथ मिलके बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, मम्मी आ गई ना इसीलिए। तो ऐसा है सब कुछ। तो अभी तो बजे है 6:15 और मैं अश्विन की राह देख के बैठी हूँ। अगर वो आएंगे तो उनसे भी, आज तो बात भी नहीं की है अश्विन से, तो आएंगे तो उनसे बात करेंगे, अगर आते हैं तो मैं उनसे बात कराती हूँ। तो मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स। अभी मैंने अश्विन को कॉल किया था तो अश्विन बाला भाई दुकान पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, वो तो उसके आने के बाद अश्विन गए हैं बर्फ़ लेने के लिए, तो यहाँ पर वो लेट आएंगे। तो अभी तो मैं घर पे अकेली ही हूँ, मम्मी पापा गए हैं, वो मासी के घर पे तो अभी आए नहीं है, तो अश्विन भी नहीं आए हैं। तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। और कल तो हम जाने वाले हैं मेरे मामा के गांव, मेरे नानी की पाचम है, तो मम्मी पापा शायद जल्दी चले जाएंगे और हम थोड़ा लेट जाएंगे, तो कल उसकी पाचम है तो वहां पे भी जाना होगा हमें। तो बस कल वहीं पे जाएंगे तो वहां का पूरा जो माहौल होगा वो आपको दिखाएंगे। तो आपको कल नया वीडियो बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो ज़रूर देखिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय।